आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और पहले से और भी ज्यादा बेहतर बन जाता है, और उसके ऐसे ही एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट का जलवा हमें एंड गेम के फाइनल बैटल में भी देखने को मिला था। वेल, मैं कौन से इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ? देखो, आयरन मैन 2 में जब विप्लैश टोनी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक अटैक करता है तो उसका सूट तुरंत डैमेज हो जाता है, और ये चीज कभी दोबारा रिपीट ना हो इसके लिए उसने अपने दी एवेंजर्स वाले सूट को इतना काबिल बना लिया था कि जब थॉर ने भी उस पर अपनी बिजली छोड़ी थी तो उसका सूट डैमेज नहीं हुआ था, बल्कि उसके सूट ने उस पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उसका सूट इतना दमदार नहीं था कि वो उस पावर को इफेक्टिवली यूज कर पाए। इसीलिए इस इंसिडेंट से सीखते हुए उसने अपने एंड गेम वाले सूट में एक ऐसा फीचर भी ऐड किया था जो थॉर की इलेक्ट्रिक एनर्जी को न सिर्फ एब्जॉर्ब कर पाए बल्कि उसे एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके वेपनाइज भी कर पाए। और भाई, सच में ये फीचर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है।